चलिए शुरुआत होती हुई आज के दिन के सबसे पहले मैच की देवी और सजनों, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया इनविटेशन का सबसे पहला ओपनिंग मैच अब गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स वर्सेस रेवेनेंट हार्डपॉइंट का मोड है, उठने का नाम नहीं ले रही अभी तक। और रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स, आई कैन ओनली इमेजिन कितना ज्यादा प्रेशर होगा इन प्लेयर्स के ऊपर। पिकअप यहाँ पे ट्रंक्स निकालते हुए साइरो को शट आउट किया और अब गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स थोड़े से पॉइंट अपने अंदर चार्ज करते हुए, बट लर्न का एक काफी अच्छा फ्लैंक, एक इंपॉर्टेंट पिकअप फिर से गॉडलाइक के हाथों में एंड स्विचिंग टू द मेली। वाओ, अब टक्कर का मुकाबला दिखाई दे रहा है सर, आ रहा है गॉडलाइक हर एक इनके प्रयास पे बार बार पानी फेंक रही है, मेली के बाद मेली, पहले बोन्स और अब न्यूट्रिनो। वाओ, फिर से 57 पे रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स अटक चुके हैं, हार्ड पॉइंट पे टेस्ट ही नहीं कर पा रहे गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स। अब उन्होंने एक प्लेयर छोड़ा हुआ है अच्छे से उस हार्ड पॉइंट में पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए, बाकी के प्लेयर्स बट पिकअप एक के बाद एक पिकअप्स निकाले जा रहे हैं। नजर आ रही है आर्गन, थोड़ा सा बच के रहना होगा, मैन होल्डिंग क्लोज राइट, थोड़ी देर तक कवर के अंदर इनको रहना होगा, यूटिलिटी का यूज करते हुए नजर आ रहे ताकि वाइटालिटी के प्लेयर्स को वो काउंटर पुश करने से रोक। कुछ ना कुछ यहाँ पे रणनीति बदलनी पड़ेगी टूरी पर ईस्पोर्ट्स को, लेकिन हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा नेल बाइटिंग कॉम्पिटिशन में दिखाई दे रहा है। आई मीन नाम भी मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, थंपर अलग ही वाइब है, बट ये प्रिज्म की तरफ से आई थिंक काफी अच्छी हमको रोटेशन देखने को मिल रही है, कॉन्स्टेंटली बैक स्टैब्स अपने टीम के लिए क्रिएट कर लेते हैं और वहीं से ज्यादातर प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है रेवेनेंट के ट्रू रिपर्स कंटेस्ट करने की कोशिश तो कर रही है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा गोस्ट के पास दोनों पिकअप्स आने चाहिए एंड यस ही गेट्स दोस, तो अब कंट्रोल को होल्ड करना इनके लिए काफी आसान रहेगा। तीसरा बैक टू बैक तीसरा पिक यहाँ पे गोस्ट के पास आता हुआ इंस्टेंटली और 5 पर अटकी हुई है वाइटालिटी की टीम, 10 गुना बड़ा स्कोर लाइन यहाँ पे ऑलरेडी, और टीममेट ने तो बिल्कुल नहीं करा यहाँ पे, उनको बचा जरूर लिया लेकिन 5 इज टू 120 और इनको पता लग जाएगी कहाँ पे इनके एनिमी स्टोर होते हैं। मीनो गए ज्यादा है, काफी है वाइटालिटी के लिए अपने नाम पे पूरा मैच करने के लिए। और ऑन द अदर एंड बात करूं बर्न्स की, सी पोजीशनिंग कहां पर है, तो उन्होंने थोड़ा सा घूम के फ्लैंक कर रहे हैं, ऑफ गार्ड पकड़ा प्रिज्म को, बट प्रिज्म बचने में कामयाब, इट वाज अ 1v2 1v1 तक लाया बट बैकअप यहां पे टू रिपर्स के बहुत ही ज्यादा कम इनके पास अवेलेबल, बट फिर भी दो पिकअप्स निकाले, राउंड आ चुका है 1 एंड वेल लाइक ईस्पोर्ट्स इक्वलाइजर आता हुआ। और आप देख सकते हैं एक बंदा, एक जो प्लेयर है वो बॉम्ब के पास रहेगा, ये है स्ट्रेटजी। उनको भी फिनिश ऑफ कर दिया जाता है 6 विशेष पी से गॉड लाइक।